हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बूफर के ऊपर है कि हम इस बूफर को अपनी गाड़ी में कैसे फिट करें। तो ये जो बूफर है ये मेरे कंप्यूटर का बूफर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कंप्यूटर का बूफर होता है ये एसी करंट पे चलता है और हमारी गाड़ी में होता है डीसी करंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इसका बड़ा ही सिंपल सा सलूशन है। आपको क्या करना है, आपको एक कन्वर्टर ख़रीदना है, बिल्कुल ऐसा ही कन्वर्टर आपको ख़रीदना है। ये आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का कन्वर्टर है। ये कन्वर्टर आपको किसी भी शॉप से बड़ी आसानी से तकरीबन 300 से 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का कन्वर्टर है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही एक कन्वर्टर ख़रीदना है। तो चलिए अब मैं आपको इस बूफर को अपनी गाड़ी में लगा के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको एक लंबी वायर लेनी है। इसको अपनी गाड़ी की बैटरी से डायरेक्ट जोड़कर आगे से पीछे तक ले आना है। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इस ये जो कन्वर्टर की पीछे की जो वायर है इसके साथ इसको जोड़ देना है। बस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वायर का ख्याल रखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, हमने इन वायर्स को इस कन्वर्टर के साथ लगा दिया है। तो आप देख सकते हो इस कन्वर्टर में जो करंट है आ चुका है, लाइट चल रही है। तो इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है गाइस, ये जो बूफर का प्लग है इसको आपको इसके अंदर डाल देना है। और आप देख सकते हैं इस बूफर में भी करंट अब आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको एक ऐसी केबल लेनी है और अपने बूफर में लगा देनी है। ध्यान रखें गाइस, ये जो केबल है ये आपको काफ़ी लंबी लेनी है, जो कि आपके बूफर से लेकर आगे आपकी कार के स्टीरियो तक जाती हो। और यहाँ भी आपने सेम चीज़ करनी है गाइस, इस केबल को अपने कार के स्टीरियो के पीछे आपको लगा देना है और इसको इसके अंदर वापस डाल देना है। और अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ।